ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भासान आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश बाद 3 महीना बाद चुनाव है, लेकिन सीधी माँ एक कुर्सी के चुनाव खत्म नहीं हो रहा है। लगातार सीधी जिला चिकित्सालय माँ कुर्सी के जंग छिड़ी है। हालांकि प्रदेशों में कुर्सी के जंग छिड़ी है और छिड़ी जंग सीधी के जिला चिकित्सालय में है। सीधी जिला चिकित्सालय का अनाथ अस्पताल कहे माँ हमका कोनो गुरेज नहीं आए। हम जानी थे का स्थिति है सीधी के जिला चिकित्सालय की, और हम ही भर नहीं लगभग सीधी में रह वाला हुआ हर शख्स जानत है जेकर उपयोग कबो अस्पताल के पड़ा हुई। अस्पताल के व्यवस्था तो दूर, वहाँ डॉक्टर लागत है आपस में मरी कट गई। रोज एक विवाद की तस्वीर सामने आवा थी, कबो सिविल सर्जन और वरिष्ठ डॉक्टर की लड़ाई हो जाती चेम्बर है। कबो कौनो नए व्यक्ति का प्रभार मिला था, कबो दो से प्रभार छीन के दूसरे का दे दिया जाता है। का नाटक नौटक भी चल रही है। काऊ जिला चिकित्सालय आए लोगन के दर्द में मरहम लगावे की तिरुआ स्थान आए, वह कौनो युद्ध के अखाड़ा आए का मजाक बनाए के रख दीनगा। जिम्मेदार जो है गहरी नींद में सोए रहे हैं, उत्सवन में व्यस्त हैं, उनका फर्क नहीं पड़े कि आम जनता मरे चाहे जिए। न विधायक का फिक्र, न सांसद का फिक्र, न मुख्यमंत्री का फिक्र, न कलेक्टर का फिक्र, न एसपी का फिक्र। खुले आम नंगा नाच हो रहा है जिला चिकित्सालय, मगर केहू को दिखा नहीं लगा है। हालांकि नई सिविल सर्जन के रूप में नंदिता पाठक रीवा माँ पदस्थ रही जे, उनका पदस्थापना कई दिन गई, लेकिन वो अभी प्रभार नहीं लेंगे। और वह अखाड़ा वह में बना है, खुलेआम वहाँ जो है मजाक हो रहा है। आम जनता दर्द से करा ही रही है, मगर जिम्मेदार का फर्क नहीं पड़े कि वह कोई का रहा है। यह है सीधी जिला चिकित्सालय की हालत, जो पूरी खबर लेके आए हैं कि का घटनाक्रम हो रहा है और गरीब मरीज दर्द से कैसा करा ही रहा है। कल्पना नहीं कह सके जेके लगे पैसा नहीं आया ना, ओकर सहारा सिर्फ जिला चिकित्सालय है। जेके जेब में पैसा है तो ओके खेते प्राइवेट डॉक्टरों मिल जाते, दवाई मिल जाती, इलाजों मिल जाते। मगर खुद कल्पना करी जेके लगे पैसा नहीं आए, ओकर तक सिर्फ सहारा गरीब के जिला चिकित्सालय। जब इलाजे न मिली तो आखिर यह अस्पताल का ही खातिर बेड लगाए के मथरे काम चली, दवाई दिखाए के मथरे काम चली। जब डॉक्टर इलाजे न हुई तब मतलब का निकली। व्यवस्था के नाम पर भद्दा मजाक हो रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल भंकर तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह पूरी खबर के, जहां प्रपंचक बता दी कि मध्य प्रदेश के सीधी के सिविल सर्जन के जो कहा जाए कुर्सी है ओका लेके जंग छिड़ी है। डॉक्टर हरिओम का प्रभार मिल गया है। जिला चिकित्सालय में दो डॉक्टर के बीच विवाद की स्थिति कम हो के नाम नहीं ले रही है। सीधी जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन के कुर्सी का लेके अब कुश्ती और कसरत के दौर जारी है। हालत यह है कि सिविल सर्जन के रूप में जेकर पदस्थापना है वो अभी तक नहीं आए। दूसरा तरफ वर्तमान के सिविल सर्जन डॉक्टर एस बी खरे का यहाँ से अलग करके हरिओम सिंह का सिविल सर्जन के प्रभार दे देगा। वही तथ्यन के जानकारी का छिपावट की पूर्व सिविल सर्जन रहे डॉक्टर एस बी खरे द्वारा 11 तारीख का एक आदेश जारी करके 4 तारीख के नाम अपने धर्मपत्नी का आरएमओ के प्रभार दे के आदेश दे दिएगा। यह मामला मां कलेक्टर के द्वारा फटकारों लगाई गए। उसके बाद हरिओम सिंह सेगर का सिविल सर्जन के जो है फिलहाल प्रभार दिएगा। अपना बच्चे को बताया दी कि यह सीधी के जिला चिकित्सालय खुद ही बीमार है, अब एकर इलाज को करें। जिला अस्पताल मां भारी व्यवस्था है, न को देखे वाला है, न को सुने वाला। नर्सन के आंदोलन चालू है, जबकि व्यवस्था कर लेके जिम्मेदार पल्ला झाड़त नजर आ रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर एस बी खरे का जो है हटावे के कारण उनकर नियुक्ति का लेके तमाम शिकायत है, जेके वजह से राज्य शासन द्वारा रीवा माँ पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर नंदिनी पाठक का सीधी माँ सिविल सर्जन के रूप में पदस्थापना की गई है। अबे वो प्रभार ले नहीं आई है। सूत्रन के अनुसार एक फायदा उठावत के डॉक्टर एस बी खरे गलत ढंग से अपने पत्नी का आरएमओ के प्रभार दे के सिफारिश करे रहे।
वही कलेक्टर के द्वारा ए पर कार्यवाही कर उनका हटाए दीजिएगा। अब सिविल सर्जन के रूप में नवीन पदस्थापना हो गई ही और वो जल्द पदभार ग्रहण कर सकत है। अपना प्रत्येक बताए दी कि जिला चिकित्सालय में नर्सन के हड़ताल सहित उमस भरी गर्मी के कारण मरीजन के संख्या बढ़ गई है, लेकिन व्यवस्था चरमरा ही। यहाँ पदस्थ डॉक्टर समय पर नहीं आ रहे और कहो न कहो व्यवस्था का लेके कलेक्टर द्वारा कोनो खास पहल नहीं की जा रही, जोने वजह से मरीजन का बेहतर जो बेहद है समस्या उठावे के पड़ रही है। नर्स एसोसिएशन के आंदोलन और से और ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबसे ज़्यादा हालात जो है प्रसव वार्ड में खराब देखे को मिल रहा है। यहाँ आवे वाले मरीज परेशान हो के प्राइवेट नर्सिंग होम में जाए का मजबूर हो रहे हैं। यह तरह बच्चा वार्ड और अन्य वार्ड में हड़ताल की वजह से मरीजन के बेहद समस्या उठावे पड़ रही है। इन समस्या का देखा कि जो है और पहल के ना हो एक अलग माना जा रहा है। इतनी समस्या होने के बाद कलेक्टर की पहल ना हो समस्या परे मानी जा रही है। नर्सन के हड़ताल पूरी व्यवस्था का चरमरा रही थी। व्यवस्था का लय के नई जिम्मेदारी के तहत को पहल ना हो प्रशासनिक अमला के लापरवाही मानी जा रहा है। अपना बच्चे बताया दी कि यह मामला में हमारे द्वारा डॉक्टर नंदिनी पाठक से बातचीत की गए तो उनके द्वारा कहा था कि हम जल्द जो है सिविल सर्जन के रूप में जिला चिकित्सालय सीधी हो जल्द ही उनके द्वारा कहा गया कि व्यवस्था सुधारे के काम करब। उनके द्वारा कहा गया कि हमार रिटायरमेंट करीब है लेकिन जो जिम्मेदारी मिली है उसके तहत हम काम करब। उनका यह कहा रहा कि अस्पताल में ज्वाइन करे के बाद समय का जो है साथ में लय के प्राथमिकता रही और जो दिक्कत थी उसका पूरा करे के पूरी पहल की गई। एम जो लापरवाही रही वो माँ हम कार्यवाही करे का तैयार हैं। हालांकि अपना बच्चे बता दी क्षेत्रीय उप संचालक स्वास्थ्य विभाग रीवा में पदस्थ रही डॉक्टर नंदिता पाठक अब उनकर नई नियुक्ति जो है सीधी के जिला चिकित्सालय में की गई ही बतौर सिविल सर्जन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह अनाथ जिला चिकित्सालय का आखिर देखी को का आम आदमी गरीब आदमी जिके लगे इंतजाम नहीं है पैसा नहीं है वह भगवान भरोसे छोड़ दी जाए। इतना 300 बिस्तर के अस्पताल बन के तैयार है लेकिन वह अस्पताल में न डॉक्टर न व्यवस्था न कुछ तो फिर आखिर वो काहे की वह का भूया में पहुड़े को हुए या फिर वह बिल्डिंग का चाटे को हुए। सवाल बेहद बड़ा है लेकिन जिम्मेदार गहरी नींद में सोए रहे और जल्द यदि जिम्मेदार नहीं जागे तो यह हम दावा करी थे कि जनता के आक्रोश के सामना फिर न प्रशासन कह पाई न जनप्रतिनिधि कह पाई। यदि है में हालात बने रहे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जिम्मेदारन के नजर जई और कान खड़े हो ही और कम से कम जाए के वहाँ के व्यवस्थान का दुरुस्त करे के प्रयास करे। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल धन्यवाद प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा संपर्क कर सके थे 8821004167 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक IVF मौज तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग।